इंसानियत बड़ी चीज होती है या सियासत बड़ी चीज? इंसानियत जिस इंसान में इंसानियत नहीं होती है वो कोई मजहब का जिम्मेदार भी नहीं हो सकता है और वो कोई अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। जब वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वो अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता है। अगर कोई खुदा के बाजू खुदा क्रिएट कर रहा है, इफ ही इज क्रिएटिंग द गॉड बिसाइड द गॉड, दैट मीन्स ही इज नॉट बिलीव इन इस्लाम। जब वो खुदा के बाजू किसी को खुदा मानते हैं तो वो बंदे इस्लाम में नहीं है। इतना सारी दुनिया में सब इस्लाम के मानने वाले हैं? नहीं, इस्लाम में ना मुसलमान भी कौम में मुसलमान है और मुसलमान में मुनाफिक भी है। वक्त जिनको इज्जत पसंद है उनको हम लोग हार्डली वेलकम करते हैं, दिली खुश आमदी, आ जाइए हमारे जनता दल में, हमारे जनता दल से जुड़ जाए। और जिन लोगों को जिल्लत उठा के जीना है, जिसको जा रहे ना वहां रहे, उससे कोई असल में इस वक्त जो है इलेक्शन के हालात है 123 मिशन कहां तक कामयाब हो सकता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अंदाजा कहां तक है, क्या तैयारियां हैं? उम्मीद तो 100% की रहती है। जमीनी तैयारियां वक्त से पहले उम्मीद लगाना जरूरत से ज्यादा कहीं ना कहीं हमको नुकसान मिले जाएगा। सर आपने एक आवाज उठाई थी उलमा इकराम सियासत में शामिल, जी वो तहरीक कहां तक पहुंची और कहां तक? वो तहरीक जहां से हमने शुरू की थी वो वहीं रुकी हुई है, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं ना कि किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो कभी कभी अपनों से ही अपनों को नुकसान ज़्यादा होता है और वो सब सह सह के सीना अभी मजबूत भी हो गया है। बोलना और जगाना कौम को ये मेरा फर्ज था जो मैंने कोशिश की, जागना नहीं जाना वो उन पे डिपेंड है। मैं तो ये सभी को एक दावत तो दी थी कि आओ हम जैसों को बुलाओ इन्वाइट करो, लेकिन हम लोग तो पंजा तो कहलाता है मुट्ठी तो कहलाती है लेकिन बिखरे हुए हैं, सब एक दूसरे से जुदा है, ये सच्चाई है और इसको मान के चलना पड़ेगा। सर आप बोले किश्ती डूब गई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कश्ती में उलमाए दीन सवार हैं, क्योंकि कांग्रेस का हर वक्त दावा है कि कांग्रेस के तरफ ही उलमाए दीन सारे रहते हैं, माइनॉरिटीज भी रहते हैं, तो जेडीएस की तरफ क्यों नहीं आते सर उलमाए दीन हो या दूसरे? या शायद हम में कमी जो हम उनको लेके नहीं आ रहे, या पता नहीं हम उनको कैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने तो दावत दी थी ये तो कोई नहीं कह सकता। अभी भी वक्त है, अभी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी वक्त है। उलमाए कराम आ सकते हैं, उलमाए कराम हमको बुला सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे ऑफिस तक चल के, हम उन तक चल के जाएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब हमने एक दावत दी तो दावतनामे के इंतज़ार में है, जिस दिन भी वो लोग दावत देंगे अपनी पार्टी की तरफ से मैं हाजिर हूँ, मैं जाऊँगा, मैं बैठूँगा, मैं बात करूँगा और मैं अपने लीडरों को ले जाऊँगा, उनसे मुलाकातें कराऊँगा और उनको इनका दोनों का अरेंजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना, सारा काम मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें कौम की भलाई और बेबादी हो। ये नहीं कि एक तरफ का फतवा दे दो, पूरी कौम को एक तरफ झोंक दो। पिछले मरतबा क्या कर दिया, क्या कर दिया ये लोगों ने, कितना गलत फैसला था। उनको फैसला ये बोलना चाहिए था कि एक सेक्युलर कैंडिडेट को जिताओ एक तरफ होके, ये बोलने के बजाय ये लोग ने एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताओ बोल के बोल दिए, तो उसका खामियाजा तो भुगत चुके हम लोग। डराते थे बीजेपी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, आ गई बीजेपी आ जाने, तो अब क्या हो गया, डर किस बात का रहा? इंसानियत बड़ी चीज़ होती है या सियासत बड़ी चीज़? इंसानियत जिस इंसान में इंसानियत नहीं होती है वो कोई मजहब का जिम्मेदार भी नहीं हो सकता है और वो कोई अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। जब वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वो अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता है। सर सियासत के लिए लोग आजकल इंसान को भगवान मान बैठ रहे हैं, कहाँ तक की इंसानियत है? अब वो उन लोगों का इत्तेखाद है, उन लोगों का यकीन है। सर आप भी एक मुसलमान लीडर हो, वो भी एक बड़े लेवल के लीडर हैं, वो एक लीडर को अपना भगवान कहते हैं, ये कहाँ तक की इंसानियत है? अगर कोई खुदा के बाजू खुदा क्रिएट कर रहा है, If he is creating the God beside the God, that means he is not believe in Islam. जब वो खुदा के बाजू किसी को खुदा मानते हैं तो वो बंदे इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में जो आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह मेरे हाई कमांड्स जो मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी वफादारी और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। मैं वही और उतना ही काम करूँगा जिसमें कौम व मिल्लत और सोसाइटी का भला हो। मैं ऐसे कोई झूठे वादे करने वाला नहीं हूँ जो मैं नहीं कर सकता हूँ।
ऐसी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूँ जो मेरे हद में नहीं है। मैं उतने ही वादे करूँगा जो मेरे हद में हो। आने वाले या मेरे सारे पिछले स्पीचेस निकाल के देख ले, जफरुल्लाह खान मंडिया में जाए देखें यूट्यूब पे, मैंने कभी किसी को झूठा वादा नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं कि मैं झूठे वादे करूँ इस उम्र में आके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, श्रीमान कुमार स्वामी जी एक बार एक एक्सपेरिमेंट किए, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, तो कांग्रेसियों ने क्या किया, पूरी पार्टी को, जब श्रीमान देवेगौड़ा जी बीमार थे उस वक्त, पूरी पार्टी को तोड़ के, हमारे सारे MLA को तोड़ के जनता दल को डेमोलिश करने की उन लोगों ने चाल चली। एक पहली बार धोखा खाए, फिर दोबारा पिछली मर्तबा जब सरकार बनाई गई कांग्रेस के साथ में, ये बात अवाम तक पहुंचना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या सलूक किया था हमारे साथ। श्रीमान देवेगौड़ा के घर में आके बोले विथआउट अनकंडीशनल सपोर्ट, बोले कुछ भी शर्तों के बगैर हम सपोर्ट देते हैं, ये कंडीशन पे आके सरकार बनाए, बाद में सारी शर्तों को लागू किए, 30% हमारा शेयर दिए, 70% वो खुद लिए। मैंने अपनी मैसूर वाली स्पीच में बोल दिया, खुलेआम डैश पे खड़ा रह के बोला हूँ कि ये बीजेपी के साथ बीजेपी सरकार बनाने के लिए मदद किसने की, कांग्रेस वालों ने अपने सारे MLA को बेच के दिए, क्योंकि वो लोग रिस्क लेके यहाँ का कुछ भी गलत नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपोजिशन में बैठ के ईजी माल खाना चाहते थे, इसलिए ये लोग ने बीजेपी की सरकार बनाई और कांग्रेस के कुमार स्वामी को हटा दिया गया। तो कुमार स्वामी बार बार ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए ये हेडेक नहीं चाहिए, इसके लिए मिशन 1-2-3 लेके चले, और ये 1-2-3 इंशाल्लाह लेके वन साइड हुकूमत बनाने की हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी, बाकी रजा अल्लाह की होगी।